नमस्कार दोस्तों, मैं अर्ष वावड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्टर चैनल में। तो अभी फिर से एक नई अपडेट आई है आरबीआई की तरफ से। तो उन्होंने खुद कहा कि क्रिप्टो करेंसीज को किल कर सकता है आरबीआई का खुद का बनाया हुआ सीबीडीसी। इसी के साथ जल्द ही यूएसए जो है वो अपना क्रिप्टो बिल लेकर आ रहा है अगले ही हफ्ते, जिस कारण मार्केट में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि बिटकॉइन का प्राइस अभी कहां जा सकता है, क्योंकि अभी इसका एक नया बॉट फॉर्म होने जा रहा है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो एक्चुअल में यहां हम ये भी देख पा रहे हैं कि डोमिनेंस जो बीटीसी का वो बढ़ती जा रही है, जिस कारण ऑल्टकॉइंस अभी नीचे गिरेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट्स कौन सा कॉइन का बाय करना है, कब सेल करना है, साथ के साथ मिलती रहेंगी 24 घंटे। तो सबसे पहले हम आरबीआई का ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर, तो उन्होंने कहा कि जैसे सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगा तो उससे क्रिप्टो करेंसीज के जितने भी यूज केसेस हैं वो सभी किल हो जाएंगे। यानी कि सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसीज को ही किल कर देगा या फिर इनको ओवरकम कर देगा। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जैसे बिटकॉइन है या फिर इथेरियम है, उसकी जगह सीबीडीसी लेने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। तो यहाँ उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर था, उन्होंने बाकी क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड इसमें नहीं किया है। जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाएगा या फिर उसको अलाउ किया जाएगा इंडिया में। लेकिन यहाँ जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज हाई टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है तो हम इसको अलाउ कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी गलत हाथों में भी जा सकती है, जिस कारण इसको रोका जाना चाहिए। तो जल्दी इंडियन गवर्नमेंट अपने खुद की क्रिप्टो पॉलिसी लेकर आएगी। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट फाइनलाइज करने जा रही कंसल्टेशन पेपर ऑन क्रिप्टो करेंसीज, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर डिस्कस भी किया जाएगा। इससे पहले भी जो हमारे डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज का एक इश्योर होना चाहिए और इसकी एक पर्टिकुलर इंट्रिंसिक वैल्यू भी होनी चाहिए, जो कि क्रिप्टो करेंसीज में नहीं है। ना ही इसकी कोई फेस वैल्यू है और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर इश्योर है या पॉलिसी मेकर है, और ये टोटली अनरेगुलेटेड है। तो इस चीज का एक्चुअल में मतलब क्या निकल रहा है? तो यहाँ हम क्लियरली सोच सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि सीबीडीसी आने के साथ साथ वो क्रिप्टो करेंसीज को या तो बंद करने वाले हैं या फिर सीबीडीसी इतना ही एडवांस होगा कि वो क्रिप्टो करेंसीज के यूज केस को भी ओवरकम करेगा, यानी कि उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज का कंसल्टेशन पेपर बनाया जा रहा है, तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। क्या क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा या फिर हमें ट्रेडिंग में अलाउ किया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, इसके बाद हमें 1% एक्स्ट्रा टीडीएस भी देना पड़ेगा। तो आपके क्या मानना है कृपया नीचे कमेंट जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं यूएस की तरफ, क्योंकि यूएस भी अपना खुद का क्रिप्टो बिल नेक्स्ट वीक रिवील करने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाली है और बाकी कंट्रीज कैसे अपने खुद के बिल्स लाएंगे या फिर क्रिप्टो पॉलिसीज लाएंगी। तो एक्चुअल में जब से ये टेरा नेटवर्क का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है या फिर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, तब से क्या है कि हर कोई गवर्नमेंट यही सोच रही है कि कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लानी चाहिए और क्रिप्टो बिल भी होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि इवन साउथ कोरिया में भी जो डूवोन है, टेरा के फाउंडर हैं, उनके ऊपर भी लॉ सूट किया गया है। तो यूएस के जो सीनेटर हैं सिंथिया के नाम से, तो उन्होंने कहा है कि जो भी डिजिटल एसेट्स हैं इनको फुली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, जो कि सुनने में बहुत अच्छी चीज लग रही है कि शायद यूएस डिजिटल करेंसीज को लीगल टेंडर भी मान सकता है या फिर इनको रेगुलेटेड वे में अलाउ करेगा ट्रेडिंग करना भी, इवन पेमेंट्स करना भी। तो एक्चुअल में हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि यूएस अपना बिल लेकर आएगा, लेकिन फाइनली अब उन्होंने अनाउंस किया कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस बिल को अनवील करने वाले हैं। और इसमें खासकर जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है वह यही है कि डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। एक और बड़ी चीज जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी करना चाहती थी वो ये है कि वहां जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसी बिल में एक नई रेगुलेटरी बॉडी भी इंट्रोड्यूस करी जाएगी, जो कि रेगुलेट करी जाएगी SEC के द्वारा और इवन CFTC के द्वारा। तो यूएस तो बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहा है, उम्मीद है कि यूएस को फॉलो करते करते इंडिया भी लेगा। तो आखिर में अब हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो एक्चुअल में जिस एनालिस्ट ने पहले एक्सपेक्ट किया था या फिर प्रिडिक्ट किया था कि इसका प्राइस $69,000 जाएगा, अब वही सेम जो एनालिस्ट है उसने बताया कि इसका प्राइस बॉटम करने जा रहा है $24,000 तक। तो एक्चुअल में जब $69,000 तक गया था तब ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा था, और बिल्कुल वैसे अब उल्टा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जिस कारण इसका प्राइस $24,000 तक जा सकता है। ऑलरेडी हमने BTC का प्राइस $25,400 तक देखा था। तो एक्चुअल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जून महीने के अंदर, और जून महीना भी आ चुका है, और इसी दौरान हम BTC का देख सकते हैं कि यहाँ से दोबारा ये अपने लो को रीटेस्ट कर सकता है।
तो यहाँ आप जो सामने पैटर्न देखोगे इसी के बेसिस पर इसका प्राइस अभी एक नया बॉटम फॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ देखी कि जितने भी बिटकॉइन होल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, वो लगातार एक्युमुलेट कर रहे हैं इस बियर मार्केट में भी। उनका एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेशन करना, और इसी के साथ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन यूएस और इंडिया कुछ अच्छी अपडेट्स भी दे सकते हैं जिसकी वजह से अभी मार्केट ऊपर भी जा सकती है। आपके क्या मानना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो उस कॉइन के ऊपर लेकर आएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफ्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।